नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी .com में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास में बहुत से कॉल्स आते हैं कि गुरुजी मुझे सियार सिंगी के बारे में बताइए, क्या क्या काम आती है, सियार सिंगी का क्या महत्व है। और ये तो आज दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो ये प्रोग्राम लेके आया हूँ वो है कि सियार सिंगी को सिद्ध कैसे करें और सियार सिंगी की प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से करनी है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम बताने से पहले हमारा निवेदन है कि यदि आपको मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप सबसे पहले मेरा ये प्रोग्राम देख पाए। तो दोस्तों, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ सियार सिंगी को सिद्ध कैसे करें और इसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। सियार सिंगी दोस्तों एक ऐसी दुर्लभ वस्तु है जो बहुत ही मुश्किल से मिलती है और जिसको मिल जाती है सिद्ध की हुई, या वो खुद सिद्ध कर देता है तो उसकी किस्मत रातों रात चमक सकती है, रोड़पति से करोड़पति बन सकता है, व्यापार में चार गुना वृद्धि हो सकती है। ये सियार सिंगी घर में साक्षात लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। घर में कर्जा बढ़ रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, या आपके पैसे किसी को दिए हुए हैं लेकिन वो वापस नहीं आ रहे हैं, तो फाइनेंस और धन से संबंधित हर समस्या का निवारण ये करती हैं सियार सिंगी। लेकिन मैंने आज तक सियार सिंगी के महत्व और इसके बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि यह एक जानवर की वस्तु है और इससे जानवरों की हिंसा और जानवरों का नाश बढ़ता है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम को आज तक नहीं बताया। लेकिन आज 9 मार्च 2020 सोमवार होली का दिन है, जिस भाई बंधु के पास में सियार सिंगी है और वो अगर काम नहीं कर रही हैं तो उसको अच्छी तरह से पूजा कैसे करें, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, वो मैं आज आपको बताऊंगा लाइव, ताकि आप आराम से समझ सकें उसके मंत्र को और उसके प्रभाव को आप समझ सकें। और दोस्तों, सियार सिंगी को आज जो मैं बताऊंगा उसको आप ध्यान से देखें। इस प्रोग्राम में आपको समझ में आ जाएगा कि सियार सिंगी को सिद्ध कैसे करना है। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ तो भाइयों बंधु, आने वाला जो मेरा प्रोग्राम आएगा उसमें सियार सिंगी से वशीकरण किस प्रकार से करते हैं और वो अचूक मंत्र क्या है सियार सिंगी से वशीकरण करने का, ये मैं आपको आने वाले मेरे नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगा। इसलिए मेरे प्रोग्राम को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं आपको आने वाला सियार सिंगी का वशीकरण का मैं प्रोग्राम आपको जल्द से जल्द बता सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ तो दोस्तों, आज होली 9 मार्च का दिन होली का दिन है और ये हत्ता जोड़िया मैं आज हवन के द्वारा सिद्ध करूँगा। यदि किसी भाई बंधु, मित्र बंधु, बहन को चाहिए तो हत्ता जोड़ी को आप ले सकते हैं। इसके महत्व को और इसके बारे चमत्कारिक महत्व के बारे में तो आप भली बातें जानते होंगे। ये हत्ता जोड़ी भी सेम टू सेम जो कार्य करती हैं जो सियार सिंगी करती हैं, ये भी धन धान्य और लक्ष्मी के लिए बहुत ही चमत्कारिक वस्तु है। ये वस्तु भी आपको रातों रात माला माल कर सकती हैं यदि ये सही तरह से प्राण प्रतिष्ठित की गई है, अगर इसको अच्छी तरह से सिद्ध किया गया है। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि होली के दिन इसको सिद्ध करते हैं और गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र आप मोबाइल में यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो आप अगर बोलेंगे कि गुरु पुष्य नक्षत्र वर्ष 2020 में कब है तो गुरु पुष्य नक्षत्र की आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। उस गुरु पुष्य नक्षत्र में भी आप हवन, पूजा और मंत्र उच्चारण से और विधिवत पूजन करके आप खुद सिद्ध कर सकते हैं, अगर आपके पास मेहता जोड़ी है या सियार सिंगी है। अगर नहीं है तो आप हमें कह सकते हैं और आप हमसे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह है हत्ता जोड़ी जो मैं आज
हवन के द्वारा सिद्ध करूंगा। और दोस्तों एकदम ओरिजिनल और सिद्ध हत्था जोड़ी आसानी से मिल जाती हैं और इंद्रजाल भी मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों सियार सिंगी मिलना थोड़ा दुर्लभ है क्योंकि ये किसी जीव की वस्तु होती है सियार की, और आजकल सियार मिलना भी मुश्किल हो गया है, तो सियार सिंगी कहाँ से लाना। लेकिन अगर आपको भाग्यवश मिल जाती हैं तो आपकी भाग्य किस्मत चमक सकती हैं। अब इसको सिद्ध कैसे करें ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सियार सिंगी को सिद्ध करने का ये चमत्कारिक मंत्र है, जो धन से संबंधित भाई बंधु है और जो व्यक्ति माता और बहन धन से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वो सियार सिंगी को आप इस प्रकार से इस मंत्र के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार का हवन कुंड कोई भी पूजा की दुकान पे आपको किराए पे लेके आ जाइए। गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र कब है ये आप ध्यान रखिए, ये आपको आराम से मिल जाएगा। मुझे पूरा वर्ष की जानकारी आपको YouTube पे मिल जाती हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य नक्षत्र। और होली का दिन तो मेन विशेष महत्व का होता है, तो दोस्तों ये मंत्र है सिद्ध करने का। और प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से करते हैं मैं भी आपको बताऊंगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध लक्ष्मी आगच आगच मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। ये आपको मंत्र स्क्रीन के ऊपर भी दिखाया जाएगा ताकि आप आराम से पढ़ सकें। अब देखो दोस्तों ध्यान से देखिए किस प्रकार से इसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है और किस प्रकार से इसको सिद्ध करना है। तो होली के दिन या गुरु पुष्य नक्षत्र या दशहरे के दिन भी आप दीपावली के दिन भी ये कार्य आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक तांबे की डब्बी लेनी है, दोस्तों एक तांबे की आप डब्बी ले लीजिए या चांदी की डब्बी ले लीजिए, और फिर आप दोस्तों एक सियार सिंगी जो इस प्रकार से उसके ऊपर एक नाखून लगा हुआ होना चाहिए, ये सियार सिंगी आप एकदम ओरिजिनल खींचने से बाल नहीं निकलते हों, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए 6 महीने में इतने बड़े बाल हो गए हैं, और इस प्रकार से आप उसको एक सिंदूर की डब्बी में सिंदूर रख दीजिए और थोड़ा सा सिंदूर आप चढ़ाते जाएंगे और हवन की आहुति देते जाएंगे। इस प्रकार से आप हवन में आहुति देनी है और वो देनी है गाय के घी और कमल गट्टे के साथ में। तो आप इस प्रकार से देखो किस प्रकार से इसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है, ये मैं आपको बताता हूँ आराम से। छोटी सी प्रोसीजर है, कोई बड़ा कार्य नहीं है। इस मंत्र के साथ में आप माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके आप थोड़ा सा थोड़ा सिंदूर आप 108 बार चढ़ा दीजिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध लक्ष्मी आगच आगच मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। हे माँ लक्ष्मी, माता लक्ष्मी को हाथ जोड़ के आह्वान करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, सियार सिंगी के रूप में आप मेरे मंदिर में, लक्ष्मी के रूप में आप मेरे मंदिर में पधारें और मेरे घर में सदैव के लिए विराजमान हो। इस प्रकार से आप आह्वान करेंगे, एक गाय का घी का दीपक जलाएंगे, एक धूप बत्ती जलाएंगे और सिंदूर 108 बार माँ लक्ष्मी जी का जो ये मंत्र है इसके साथ में आप चढ़ाएंगे। फिर दोस्तों कमल गट्टे की आहुति देनी है गाय के घी में, ये दोस्तों देखिए गाय का घी शुद्ध, और इसे बोलते हैं दोस्तों कमल गट्टा। 108 कमल गट्टे गिन के रख ले लीजिए आप, और इस प्रकार से एक एक कमल गट्टा माँ लक्ष्मी जी के लिए और आहुति देंगे। मंत्र रहेगा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध लक्ष्मी आगच आगच मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा।
इस प्रकार से एक एक कमलकट्टा गाय की घी में 108 आहुति के साथ में दे दीजिए 108, और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए 1008 आहुति दीजिए। मैं हर होली के दिन और गुरु पुष्य नक्षत्र और दशहरे के दिन में सिद्ध करता हूँ सियार सिंह जी को, तो मैं 1008 आहुति के साथ में इसको सिद्ध करता हूँ और प्राण प्रतिष्ठा करके जो भी मेरे यार मित्र बंधु है उसको देता हूँ। तो इस प्रकार से आप आहुति देते जाएंगे और कमलगट्टे की, और इस प्रकार से मंत्र बोलते जाए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध लक्ष्मी आगच आगच मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। इस प्रकार से आप मंत्र बोलते जाएंगे और आहुति देते जाएंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध लक्ष्मी आगच आगच मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। ओम कमले कमलाय, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध लक्ष्मी आगच आगच मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। इस प्रकार से दोस्तों 108 आहुति कमलगट्टे की आपको दे देना है, और 1008 देंगे तो और भी प्रभावशाली सबसे शक्तिशाली वो सियार सिंह की सिद्ध हो जाएगी। फिर दोस्तों इस सियार सिंह में दबी में आपको थोड़ा सा केसर और कपूर, चांदी का सिक्का आदि इसमें रख देना है, और इसी प्रकार से आहुति देते जाएंगे। पहले आप पूजा कर लीजिए या तो, या फिर पहले पूजा करने के बाद में फिर आप हवन में आहुति दे दीजिए। इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाएगी। धूप ध्यान अगरबत्ती आराम से आप जला लीजिए, और इस प्रकार से आपको इसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है, और गुरु पुष्य नक्षत्र और होली के दिन, और आप अगर इन नक्षत्रों के अलावा भी कार्य सिद्धि और अमृत सिद्धि योग होता है, और शुक्रवार को भी आप ये इसकी प्राण प्रतिष्ठा और पूजा कर सकते हैं, लेकिन गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र और होली का दिन, दशहरे का दिन बहुत ही खास महत्व का होता है, और दीपावली का, इसमें भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो आराम से आप कर सकते हैं घर बैठ के, और किसी भी मित्र बंधु भाई बंधु को एकदम सिद्ध की हुई सियार सिंह, ये मेरे पास में 2-3 पीस है, कोई भी मित्र बंधु मंगाना चाहता है तो नर मादा हर प्रकार से आपको मिल जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।